पता नहीं दुनिया के इतना कैमरा मैन है सिर्फ मुझे फोकस कर। इसने मुझे देखा। शट अप रोजी, तुम कितना झूठ बोलती हो। है फैशन का जलवा। हाँ ना, मेरे डैड ने मुझे गिफ्ट की थी। ओह माय गॉड रोजी। के सामने आने वाले हैं इस दुनिया के तीन सबसे बड़े मॉडल। बिल्कुल नया का नया, कब से हमने रखा हुआ था आज का हमारा है। पीछे हमने ये वाला कारपेट लगाया, आगे यहाँ से थोड़ा बच रहा था तो अब यहाँ पर ये लग गया। तो देखो ये हमारे मॉडलिंग के लिए जो ना रेड कारपेट यहाँ पर हमने बिछा दिया है। और देखो सबसे पहले ये शो देखने के लिए पाकिस्तान से आए हैं नोबिता। प्यारा लगेगा ना जब हम साइड से लाइटिंग अभी हमने लगानी, जब लाइटिंग लग जाएगी तब हमारा ये रेड कारपेट देखना कितना ज्यादा कोई खूबसूरत लगेगा। बच गया था हमारा डेक, ये भी हमारा घर का है। चलो ये भी बाहर से रेंट पे नहीं उठाना पड़ा। मॉडल्स अभी पहुंचती होंगी, हमें ये सारा सेटअप जल्दी करना है। रमजान मॉडल्स पहुंच गई ना, बहुत ज्यादा गुस्से वाली हैं। इसको ट्राई करते, हमने एक लाइट तो चला दी है। आप सबसे पहले आप ट्राई करो। ऐसे हो गए, ऐसे थोड़ी ना होती है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो सब? आई होप कि सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ठीक है, खैर खैरियत से हैं। और आज का व्लॉग जो हम बना रहे हैं, आप सब इसको बहुत ज्यादा एंजॉय करोगे, इसके साथ साथ हम खुद भी बहुत ज्यादा एंजॉय करेंगे। हम बनाने वाले हैं आज एक जैसा एक मॉडलिंग वाली एक लाइफ होती है, हम मॉडल बनेंगे। वो आपने देखा जो हमने रेड कार्पेट बिछाया, उस पर वॉक करेंगे अलग अलग ड्रेसिंग के साथ। देखो कहाँ तक हम कामयाब हो पाते हैं, क्या दिखाते हैं, कहाँ तक बना पाते हैं। और अगर अच्छा लगे तो ढेर सारे लाइक कर देना, बहुत अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब करके फिर आगे हमारा वीडियो देखो। ये देखो यहाँ पर ये सारे कपड़े, हर एक चीज इस वजह से फैली हुई है। और ये देखो हमारे घर के हालात, हर एक चीज बिखरी हुई है। सारा कुछ हमने साइड पर करके वहाँ पर अपना एक वो बनाया। ये देखो यहाँ पर ये स्पीकर भी आ गया, ये वाला मैं पूरा दिखाती हूँ। ये देखो मेकअप आर्टिस्ट आ चुके हैं, मेकअप आर्टिस्ट आ चुके हैं मेरा। यहाँ पर ये देखो सारी सेटिंग चल रही है, मॉडल्स की ज्वेलरी आ चुकी है। इस साइड पर देखो हमने यहाँ पर्दे लगा दिए हैं बच्चों के रूम के निकाल के, यहाँ पर अभी काम चल रहा है। थोड़ा सा वहाँ मैंने कहा लगा दो तो ये थोड़ा ऊपर हो जाएंगे, ढूंढ ढूंढ के मिल ही नहीं रही थी। और यहाँ पर हमारे पर्दे आप देखो, मलका हुस्न महाराजा आ गया ऐसा लग रहा है। तेरा दीवाना तू मेरी दीवानी, बस यही है महाराजा की कहानी। तो नहीं आप तो हसन तो तशरीफ ला चुके हैं। नहीं आप तो मॉडल है ना? यस आई मॉडल गोल्ड ड्रेस। अच्छा ये दुबई से जो मैंने जीता था ना गोल्ड का ड्रेस, ये वो है। इसके शो भी तो दुबई में हो रहा है क्या? दुबई में शो हो रहा है, तो दुबई में मैंने जीता था पहला शो। इतनी मॉडल्स मेरे पीछे पड़ी है, उन्होंने लगातार कोशिश की है, पता नहीं कितने सालों से मैं विनर आ रही हूँ और इसी ड्रेस के पीछे वो मर रही है। ये गोल्ड वाला वाओ, कुछ इस तरीके से लग रहा है। पर्दे प्यारे लग रहे हैं ना, लाइटिंग भी हमने थोड़ी बहुत ऑन की है। और यहाँ पर अब कुछ वजनी रखने वाले हैं ताकि ये हमारा पर्दा ना वॉक करने से बार बार हिल रहा है। भाई मुझे बहुत बड़ी मॉडल दिख गई है, मेरे सामने बैठी है, मुझे घूर के देखी जा रही है। मैंने सुना ये बहुत एटीट्यूड वाली मॉडल है, ये लोगों को जवाब ही नहीं देती। चलो मैं चल के पूछता हूँ। ओ हसीना मलिक कैसी है आप? हसीना मलिक मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, आई एम बिग फैन, बिग फ्रॉम नॉर्वे। नॉर्वे थैंक यू थैंक यू थैंक यू आपके रिस्पांस के लिए। आप जानते हैं इनको? ये खुद मॉडल बहुत एटीट्यूड है। अच्छा आप भी तो मॉडल है ना? है लेकिन ये हमें लिफ्ट ही नहीं देती। चले यहाँ पे चलते हैं, इतना बड़ा सेटअप किसका लगा हुआ है? ओ माई गॉड ये कौन सी मॉडल है? आप जवाब देंगी ना? मैं अभी जी बिल्कुल, हम मॉडलिंग की दुनिया में अभी नए आए हैं अपना। अच्छा आप नए हैं। ओ कपड़े उनको ये पहनाए जाएंगे, ये सोने के कपड़े। गाइस जैसा कि आप लोगों ने देखा अभी यहाँ पे क्या क्या मैंने आपको जो मॉडल्स और जो सेटअप दिखाया, ये है दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा मॉडलिंग शो। और अभी मैं इसके अंदर आ चुका हूँ। अरे ये कहाँ जा रही हो? क्या कर रही है? आपको पता नहीं है दुबई की शान है ये? ऊंट दुबई की शान है। दुबई में ये एक्ट दुबई में हो रहा है ना, ये कैमल भी आए हुए हैं, कैमल भी आए हुए हैं, सब आए हुए हैं यहाँ पर। आज हमारा शो होने वाला है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू दुबई एंड वेलकम टू द बिगेस्ट मॉडलिंग शो ऑफ दिस वर्ल्ड। इस शो की मैं शान हूँ, मैं जान हूँ और सब लोग मुझे ही देखने के लिए आ रहे हैं। काफी सारे जो है पाकिस्तान से भी आए हैं और दुबई से तो बहुत ज्यादा लोग हैं। और यहाँ पर हर एक मॉडल्स जो है अपना हुस्न का जलवा बिखेरने के लिए आएगी। विनर मैं ही हूँ, मैं ही रहूंगी और किसी का नहीं जीतने दूंगी। ये लोग सिर्फ ख्वाब देखने के लिए आए, इनका ख्वाब ख्वाब ही रह जाएगा। ये होस्ट आ गया।
गया है वो आप रूम से इतनी मुश्किल से निकाले ये तो देखो होस्ट होस्ट पे कोई नहीं हंसता है मैम रोजी एंड दिस इज मैम कौन सी हैं आप हसीना हसीना मलिक आप भी रेडी हो गई ये देखो ये भी आ गए फैशन का शो करने के वाओ मुस्तफा आप क्या लग रहे हो वाओ वाओ ये देखो ये हसीना मलिक को देखो हसीना मलिक किसी को आगे नहीं आने देती नो शूटिंग इन साइड हमारी मॉडल्स तैयार हो रही है मॉडल्स को चाय की प्यास लगी है जल्दी चाय ले आओ चाय ले आओ चाय नहीं नहीं बस आपको आपको चाय अच्छा ये देखे ना ये गुड़ की चाय सोना मिलाया चीनी नहीं मिलाई सोना मिलाया पिए पिए तो कॉफी मांगी थी अरे ये कॉफी है इसमें कॉफी डालिए वो कि इसमें शुगर भी है ये गोल्ड की कॉफी है ना इसलिए गोल्डन कलर की आप चले हम नहीं ले आप कौन सा चीज बुर्ज खलीफा में बनवाई है बुर्ज खलीफा में आप बुर्ज खलीफा में आपका शेव है तो आप अपनी नाक देखिए ये ना हेडफोन लगा ला तो मैं ही जीत कर जाऊंगी देखना इस हसीना को तो मैं हरा के जाऊंगी रोजी इस दफा हम दोनों को साथ मिलना पड़ेगा वरना ये हसीना हमें नहीं जीतने देगी 15 साल से यही शट अप रोजी हर दफा तुम ही हमेशा यही बोलती हो जीतने मैं आज 5 साल से मेहनत करके आई हूँ 15 साल से यही बोल रही है ये बस ऐसे ही गाने सुनती रहेगी और ट्रॉफी तो मैं ही जीत कर जाऊंगी सिक्योरिटी गार्ड है जी जी बिल्कुल उसकी हिफाजत कर रोजी मुझे तो जैसे कोई पूछता ही नहीं है मैंने भी एक दो वोट जीते थे वो तुम तो ऐसी बातें बताती नहीं एक दो मैंने जीते थे आप ऐसा करें इसको धो के ना इनको पानी पिला दो ताकि इनके ख्वाब अधूरे ना अच्छा अच्छा जी जी करा देंगे जस्टिन बीबर का शो करा दो कितनी वैल्यू कम मिलेगी हसीना को कितनी मिलेगी Excuse me, actually मुझे ना मेरे बाल स्ट्रेट करवाने नहीं अरे आप आज आप कनाडा ऐसी लग रहा है 5 साल पहले से बुक कर दिया था इसको भेज देना बाल सीधे कनाडा से है मेरी ड्रेस अभी तक क्यों नहीं है तुम्हें ड्रेस मिल गई हाँ मुझे तो बस वो सस्ता काम जो है ना सस्ता काम के लिए ना हाँ तुम क्या सस्ता काम तुमने तो बड़े इसकी भी ड्रेस आ गई हसीना मलिक की अपने आप लोगों को कौन पूछता है अपने बाल देखे जैसे ऐसे खाम खाबस जैसे खोखे में पान बेचने वाला बैठी हो ऐसे बाल हैं तुम्हारे तो ये देखो बगैर मेकअप के आप लोगों से कितना हसीन लगे मुझे पता करना पड़ेगा तो बहुत है चले गए होस्ट को जरा बुलाए मेरी ड्रेस अभी तक नहीं आई और शो शुरू होने वाला है जल्दी से तो ये होस्ट भी बहुत सिर्फ मुझे टाइम पर देते हैं चीजें आप लोग को तो कोई ऐसे पूछता भी नहीं एक दिन हम भी अपनी जगह बना ही लेंगे टाइम लगेगा टाइम लगेगा और आज तो हम बना कर ही रहेंगे जगह बस कर जाएंगे देखना आप समोसे या पकोड़े बना सकते हो बाकी नाम तो नहीं बना सकते ओह माय गॉड मुझे तो बस मैंने कहा था मैं स्मार्ट हूं ना इसलिए मुझे मिला है हेलो मैम सोफा कौन है आप में सोफा बट व्हाट सोफा मैम सोफिया ओ शट अप माय गॉड ये मैम सोफिया आपकी मेरा नाम सोफिया है प्लीज ये क्या गिव मी रिस्पेक्ट आई गिव यू रिस्पेक्ट मेरे बड़े बड़े ताल्लुक है मैं एक ही फोन पे ना 100 लोग जमा हो जाते हैं नजर आपको ये चाहिए वो चाहिए क्या चाहिए हसीना मलिक की तो बातें कभी नहीं खत्म होंगी आज मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ दुबई में बहुत बड़ा शो होने जा रहा है और आज हम अपनी जगह बनाकर रहेंगे 15 साल से हम पूरी कोशिश कर रहे हैं जीतने के लिए ना ही मैं एक शो जीत पाई हूँ ना ही रोजी जीत पाई है हसीना मलिक पूरे 15 साल से जीतती आ रही है इस दफा हम पूरी जान लगा देंगे जीतने के लिए हसीना डोंट टॉक मी शी इज डिस्टर्ब मी सुबह से आई तो ये डिस्टर्ब भी कर रही है तुमसे तो बात करना भी फजूल है के साथ ओह माय गॉड पुदीने पर धनिया लगा दिया एक्सक्यूज मी आप यू आर मेकअप आर्टिस्ट जी ओके सिर्फ हल्का सा टचअप देना है बस हसीना क्योंकि मेरा नेचुरल कलर जो है ना जी वो बहुत ही अच्छा मोटी साठ गई थी तो बात भी नहीं हुई थी ओह नो तो पता नहीं बट्ठे पे ईंटें बना रहे थे तो उसको पकड़ के ले आए आज की शाम बड़ी ओ झल है पता नहीं दुनिया के इतना कैमरा मैन हुआ है सिर्फ मुझे फोकस करने के लिए मुझे दिखाने के लिए कि जाके हसीना मलिक को दिखाएं कि वो कैसी है और... हाँ तो क्या हो गया मैं क्या करूँ मेकअप आर्टिस्ट आई नहीं है उनके हसीना के बस आगे पीछे घूमती रहती हमारे पास आती नहीं पता हसीना मलिक के पैसे दिए हाँ तुम तो पैसों की पुजारी हो देखो ना लोकल मुँह
लोकल वो देखो ना, सुर्खी पाउडर सब चीजें। तुम मुझ पर क्यों इतनी बातें करते करने जा रही हो? अपना थोपड़ा देखा तुमने? सूजी का देगड़ा पाउडर सारा आटा मिक्स किया हुआ इसने। हाँ आटा मिक्स किया हुआ है। तुमसे अच्छा कर रही हूँ, मेकअप जानती हूँ मैं। ये बात बिल्कुल रोजी ठीक कह रही हूँ, हमारे साथ बहुत गलत हुआ है। दुनिया में इसका इस शो का इतना बड़ा नाम है कि दुबई में इतना बड़ा शो हो रहा है और हमें एक भी मेकअप आर्टिस्ट नहीं दी गई। इनको बुलाया किसने? सिर्फ हसीना को ही मेकअप आर्टिस्ट मिली है, हमें खुद ही तैयार होना पड़ रहा है। इतना ज्यादा प्रेशर डाला जा रहा है कि आप जल्दी से जल्द तैयार होकर आए, हमारे ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर है। सूफिया तुम भी मुझ पर हंसती जाओ। कब्रिस्तान से मुर्दा उठ गया। जब हम बड़ी एक्ट्रेस बन जाएंगे, जब हम बड़ी मॉडल बन जाएंगे, तो हमारे साथ भी दो दो मेकअप आर्टिस्ट लगेगा। टाइम लगेगा, ये नहीं है कि बस कल आप मॉडल ही बन जाएंगे। तो 15 साल हो चुके हैं हमें, क्या हो गया? इसकी एक्सपीरियंस है हमें, क्या हो गया तुम्हें? हम बन जाएंगे, देख लेना एक दिन। देख लेना आज क्या बनाने का एक्सपीरियंस है। उसी का बच्चा हसीना मलिक के पीछे घूमेंगे तो हम बन पाएंगे ना बड़ी एक्ट्रेस। इसके जरिए मस्के लगाओ, इसकी क्या ऐसी अदा है जो लोगों को इतनी पसंद है और हमेशा हर साल यही जीतती है। इस दफा हमें जीतना है। इसके होंठ ऐसे हैं जैसे घास काटने वाले दांत हैं। असल में हम तुम्हें अप्रिशिएट करते हैं कि तुम कितने सालों से मेहनत कर रही हो और तुमने सबका दिल जीता है। मेहनत शुरू में थी, अब तो बस नाम ही है, नाम ही काफी है। हसीना मलिक, हम आपसे इंस्पायर हुए हैं सच में। बहुत प्यारी लग रही है आज हसीना तो हमसे। जुए तो नहीं निकले? नहीं, जुए भी है आपको? हसीना मलिक क्या क्या कह रही? आप साथ बैठे हो ना, इधर से उड़ के इधर आ जाएंगे। हसीना मुझे तुमसे एक बात पूछनी है कि तुमने अपना कैरियर कब शुरू किया था? आज से कितने? इन लोगों को उठा ले यहाँ से या मुझे उठने दो। सिक्योरिटी, क्या हो गया? नहीं सॉरी हसीना मलिक, सॉरी, हम नहीं पूछेंगे, हम नहीं पूछेंगे। सिक्योरिटी को प्लीज मत बुलाएं, कुछ बात नहीं, प्लीज हमारी कोई कंप्लेन मत की जाए। हसीना मलिक थोड़ा सा लेट हो गया, इतना दूर से मुझे बुलाए तो ये सिक्योरिटी कहाँ है? मैं ये देखो ना, ये सुबह से तंग कर रहे हैं। और तंग नहीं करे ना, बोला आपने और रोजी फ्रॉम लंदन। ये फोकर तैयार है पे आई है, मेरे जहाज पे आई हूँ, 6 हफ्ते लगे हैं। जो शुरू होने वाला आप लोग जल्दी तैयार हो जाओ। जहाज का ऑयल चेंज करते करते आई है। और तो मैंने अपनी आंखों से देख ली है, कोई वैल्यू नहीं है। सारे जमा हो जाएंगे और स्टार्ट हो जाएगा। अपनी आंखों से हमने देख लिया कि छोटे एक्ट्रेस की कोई वैल्यू नहीं होती और हसीना मलिक में इतना एटीट्यूड होगा मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैंने भी नहीं सोचा। बहुत नाम सुना था हसीना मलिक आपका, लेकिन अब बिल्कुल भी वैसी नहीं है। एक्सक्यूज मी, जी बोले। सिक्योरिटी जी बोले, बोले। व्हाट्स प्रॉब्लम? देखो कैसे म्यूजिक कानों में म्यूजिक लगा कर बैठी हुई है। ये लगता है गांव से गोबर उठा उठा के आई। Excuse me, मैं लंदन से आई हूँ। मेकअप तो देखो। मेरे आप लोगों को किसी ने खाना भी दिया? मेरे डैड का एक बेल्ट जहाज है 6, तो उन्होंने एक मुझे गिफ्ट किया था। मेरे मॉम डैड ने भी मुझे एक का था। कंटेनर में छुप के आई है, इसीलिए कंटेनर में छुप के आई है। रोजी तुम कंटेनर में? आई नो, इसने मुझे देखा। शट अप रोजी, तुम कितना झूठ बोलती हो। मैं चाहो तो आप मेरी वीडियो। नहीं रोजी, मुझे तुम पर यकीन नहीं कि तुम क्या कंटेनर में छुप के आ रहे हो। पीछे सिक्योरिटी खड़ी है ना, गवार की बातें सुनो। सिक्योरिटी खड़ी है, इन्होंने मुझे बताया है कि हमने इसको कंटेनर से निकाला है। नहीं नहीं, वो टैक्सी टैक्सी में आई, कंटेनर में नहीं आई। के पैसे नहीं, ना सुनती हूँ ना सुना दे ऐसे बस। मैं भी कहूँ कि रोजी इतनी तो अच्छी है। और थैंक यू, कितना प्यारा मेकअप किया रोजी तुमने। मैं बहुत प्यारी लग रही हूँ। मेरे डैड कहते हैं आप बहुत क्यूट हो। रोजी, मेरे डैड ने लंदन से बहुत बड़ी शॉप से गोल्ड का मुझे गोल्ड चोरी किया था। नो नो नो, कमोड गिफ्ट किया था जिस पर मैं बैठ के वो वजू करते हूँ। वेरी फनी हसीना मलिक, वेरी फनी। ये मेरी डायमंड की जो रिंग है ना, ये थोड़ी तंग हो रही है, इसको थोड़ा सही करा के ले। डायमंड है फैशन का जलवा, ये है फैशन का जलवा, रंग बरंगा जलवा। यो ये देखो, ये लोकी देखो, लोकी को कलर किया हुआ है। लोकी, यू आर टिंडा मालूम? लोकी को कलर किया हुआ है, ये देखो तो सही। मैं बहुत क्यूट और सुंदर लग रही हूँ। यस, ये मुझसे जेलस। या तो ये बैगन के ऊपर और कलर कर दिए। ये ले, ये आपकी डायमंड की रिंग ठीक होगी। जी शुरू होने वाला, जल्दी करें। हाँ मेरे इसके साथ ये मैचिंग हो रहा है बस। वो तो मॉडरेट चली गई, दोनों चली गई, रोजी भी हसीना मलिक भी, दोनों रेडी हो गई। जल्दी करें मैम सोमा, जल्दी करें सोफा। बस मेरे जूते रह गए, जूते पहन के आ रही हूँ।
मुझे लगता है आप ही ये अवार्ड जीतेंगे। मैं जीतूंगी जी। ट्रॉफी आज मुझे मिलेगी। जी आप तो उनसे भी बहुत ब्यूटीफुल लगती हैं। हाँ लेकिन फिर भी हमेशा हसीना मलिक ही जीत जाती है। आप कोशिश करें ना तो आप ही जीतेंगे। लाखों में लोग आए हुए बाहर, ठीक लग रहे हो ना? बस लाखों में लोग बैठे बिल्कुल परफेक्ट। बस मैं आ रही हूँ, जल्दी आ जाए, सारे लाइन में आ जाए, मैम हसीना लाइन में आ जाए, आप भी लाइन में आ जाए। इतना दिल धक धक करो बाहर लाखों की तादाद में। बात तो सुने, अभी मैं आपको बताऊंगा। और आपने फुल कॉन्फिडेंस से आना है, बाहर बहुत ज्यादा लोग हैं, आपने उनसे बिल्कुल भी डरना, आपने फुल कॉन्फिडेंस से पूरी अपनी जान लगा देनी है, ठीक है? आपने किसी ने आज फ्लोर पर तो मैं ही जीत करता हूं, फर्स्ट टाइम मैं इसलिए बता रहा हूं, हर किसी ने अपना फुल देना है। चले चले मैं जा रहा हूं बाहर, इंट्रोडक्शन कर रहा हूं और बस ठीक। दिल इतना धक धक कर रहा है रोजी, क्या मैं जीत जाऊंगी? मेरा तो खुद जोरों से दिल धड़कना। रोजी मैं जीत जाऊंगी ना, जीत जाएंगी सब, मैं ही जीतूंगी। इतना फैशन और खूबसूरत ही लग रही है। शट अप, ओह शट अप रोजी। बस इस डैम को देखा तुमने? Guys, welcome to Dubai. Welcome to the biggest show in the world. तो अभी कल 10 बज चुके हैं और अब तक के सबसे बड़े फैशन के चलने के शो में आप सबका स्वागत है। तो हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे बड़े बड़े मुल्कों से बहुत बड़ी बड़ी मॉडल आ रखी हैं अपने फैशन का जलवा बिखेरने के लिए। और सबसे पहले जो हमारी सबसे बड़ी और दुनिया की सबसे महंगी मॉडल यहाँ पे अपना जलवा बिखेरने आएंगी, उनका नाम लेने से पहले मैं आपको बता दूं, वो किसी तारीफ की मोहताज नहीं है। अब मैं आपको बताने वाली हूँ कौन है वो मॉडल, द वन एंड ओनली हसीना मलिक। हमारा नाम पहले नहीं लिया, हसीना मलिक का नाम आ गया। इस टाइम का नाम हर टाइम आ जाए। चलो चलो पता नहीं मैंने कैसे किया, मुझे लगता है मैंने सबसे बेस्ट किया है। मैंने सबसे बहुत प्यारा है। क्यों तुम तो वैसे आप सब ने अभी तक बहुत अच्छी एक्टिंग की है और आप सब की वर्क बहुत अच्छी थी, फैंस को बहुत ज्यादा पसंद आई आप सब की। अभी कैसी आपने एक्टिंग, अभी वोट जो होंगे हमारे फैंस ही डिसाइड करेंगे। तो आप लोगों की पहली ट्राई बहुत अच्छी थी और जल्दी जल्दी तैयार हो जाए नेक्स्ट ट्राई के लिए। चेक करें प्लीज हमारा कौन सी अगली ड्रेस है। मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, मैं बहुत खुश हूँ आज सच में। ड्रेस है मेरा डिजाइनर तो मेरी ड्रेस लेके आएगा, मेरा तो अमेरिका का डिजाइनर, लोकल ड्रेसेस पता नहीं कहाँ से। देखो मेरी ये वाली ड्रेस कितनी ज्यादा प्यारी डिजाइन की है ना डिजाइनर ने। कैसी है देखो, कैसी डिजाइनिंग की है और कैसे ये मैच किया है। ओहो जो मेरा इसने तो तरपाल पहना हुआ है, पता नहीं क्या पहना हुआ है। ये यूनिक है, ये सबसे अच्छा ड्रेसिंग है मलंगड़ी कहीं। ये देखो ना, ये पुराने डिजाइन जो कोई पहनता ही नहीं है। और देखो मेरे जूते भी साथ में मेरे डिजाइनर ने मैच किए हैं, देखो मैं कितनी प्यारी लग रही हूँ। रोज ही बस तैयार हो रही है बस। अच्छा उनको भी बोलें जल्दी करें, टेक टू की तैयारी करें। बस काम कर रही हूं। इस दफा देखना हसीना, नाम तो हम अपना ही बना कर जाएंगे, ये ट्रॉफी तो दुबई से हम ही लेकर जाएंगे। बस नाम ही बनाना, इस ट्रॉफी पे मेरा नाम लिखा हुआ है, सूफिया। सूफिया होगी विनर इस शो की, देख लेना। ये गोल्ड ड्रेस चैलेंज करती हूँ मैं तुम्हें। गोल्ड ड्रेस मुझे ऐसे नहीं मिला, चलो ये वक्त बताएगा आने वाला। अपने आप को अभी से संभालो, ऐसा ना हो कि हार का सदमा ही बर्दाश्त ना कर सको। जीत हमारी होगी, हार का सदमा बर्दाश्त ना कर सको तो इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है। जैसे आप आए इस दफा तो हम जीत के जाएंगे। जैसे आप आए हैं ना वैसे ही जाएंगी खाली। बहुत सूफिया और रोजी, सो ब्यूटीफुल गॉड। रोजी तुम बहुत प्यारी लग रही हो, पहले नंबर पर आऊंगी और तुम दूसरे पर आओगे। ओह माय गॉड, मैं पहले पर आऊंगी। सिक्योरिटी, मैं ये 15 साल की मेहनत है, प्लीज सिक्योरिटी। तो है रोजी, हसीना को फिर सिक्योरिटी याद आ गई। नहीं छेड़ेंगे।
असल बात है ये पहली दफा कर रहे हैं, इनको सांस चढ़ी हुई है। हमारा तो बहुत अच्छा रहा जल्दी करें, अभी आप तीसरे डिजाइन के कपड़े पहने और आए जल्दी करें। कोई भी डिजाइनर नहीं, वो खुद ही डिजाइनर है। खूबसूरत दूसरी ऐसे लग रही जैसे बदक के कपड़े पहने हो। तुम मान लो कि तुम हारने वाली हो। मैं हसीना मलिक। कहाँ हसीना मलिक? ओ हसीना मलिक, हसीना मलिक कैसी हैं आप? जी मैं ठीक। हसीना मलिक आपको आज कैसा फील हो रहा है? आप दुनिया के सबसे बड़े शो में हैं। दुनिया मैंने तो ऐसे बहुत से। हसीना मलिक आप दुबई का इतना बड़ा शो नहीं है, क्या आपको यकीन है कि आप ही जीतेंगी? दुबई में जितने भी शो हुए हैं ना, उन शो के विनर मैं ही हूँ और आज तक कोई नहीं जीत सका मेरे आगे। मतलब आप क्या कहती हैं कि 100% ये शो आप ही जीतेंगी? मुझे 99% क्या, मुझे 100% से भी ऊपर यकीन है। ओके रोजी मैम प्लीज रोजी मैम, क्या आपको लगता है कि आज ये जो दुबई में इतना बड़ा शो हो रहा है जहाँ पर दुनिया भर से लाखों करोड़ों लोग आए हुए हैं, क्या ये शो आप जीतेंगी रोजी मैम? ऑफ कोर्स मैं ही जीतूंगी। आज से पहले आप कोई शो नहीं जीती, तो क्या लगता है कि ये वाला आप विन कर सकती हैं? देखें जी, मुझे बिल्कुल यकीन है, खुद पर यकीन है, भरोसा है, मैं जीतूंगी, मैं ही जीतूंगी। ये सिर्फ खाना पूरी करने के लिए इसको लाए हैं, ये जो लोग वहाँ पे बैठे हुए खाना खा रहे हैं, जो कचरा वचरा फेंकेंगे ये वही उठाने के लिए। और रोजी मैम क्या कहती हैं आप इनके बारे में? हसीना मलिक ने इतना बड़ा आपको वो दे दिया, इल्जाम लगा दिया आपके ऊपर। पहले लगाए, ये डैन वैसे भी मेरे पीछे पड़ी हुई है। इसमें आप दोनों के साथ एक सोफिया मैम भी है, तो क्या कहती है सोफिया मैम, जीतेंगी? ऑफ कोर्स वो भी जीतेंगी। मुझको ऐसा लगता है कि उसे जीतना ही चाहिए, इतनी मेहनत करके आई है मेरे साथ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पहले नंबर पे मुझे ही आना चाहिए। बड़े मॉडलिंग शो में आपको क्या लगता है आप जीतेंगी? ऑफ कोर्स बिल्कुल, मैं यही सोच रही हूँ कि मैं यहाँ से ट्रॉफी अपने घर ही लेकर जाऊंगी और मैं आई ही इसीलिए थी। लगता है जो 15 साल से अभी तक जीतती आ रही है, किसी तारफ की मोहताज नहीं है, क्या आप उनको भी हरा पाएंगी? बिल्कुल, मुझे इस दफा पूरा यकीन है कि मैं हसीना मलिक को हरा कर ट्रॉफी अपने घर लेकर जाऊंगी। जी 10 साल से बहुत ज्यादा मेहनत कर रही हूँ और मेरा जो डिजाइनर है सबसे बेस्ट, उसने मेरे कपड़े डिजाइन किए हैं, आप देख सकते हैं कि उन्होंने बहुत खूबसूरत डिजाइनिंग की है और यहाँ पर काफी टाइम और इनके कोई चांसेस नहीं है जीतने के। अच्छा, ऐसा लगता है कि ना मैं रोजी से ज्यादा अच्छी हूँ और मैं हसीना से ज्यादा अच्छी हूँ, तो मुझे जीतना चाहिए। छोड़ दो देख गाइज, एक कंटेस्टेंट हमारी बहुत ज्यादा जोश में, एक बहुत ज्यादा खामोश है। इनको तो छोड़ दे, ये तो कोयले की कान में जो है काम करती रही है, वहाँ से पकड़ के ले आए। हसीना मलिक पर मैं तो इस डैन पर यही बोलना चाहूँ, और शट अप रूजी, मैं ही जीतूंगी, ठीक है? अच्छा ये देखिए, हर कोई बहुत ज्यादा जज्बाती, कोई भी नहीं जीतेगा आपको पता है। अरे माइक, मीडिया से मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि मैं 15 साल से मेहनत कर रही हूँ और मेरा डिजाइनर सबसे बेस्ट डिजाइन करता है, मेहनत करिए, मुझे 30 साल। अरे तीनों में बांट दूंगा, तीनों में बांट, इसको छोड़े आप प्लीज, मुझे सपोर्ट करें प्लीज। अरे माइक, शट अप रूजी, मैं जीतूंगी। दरअसल ये है, शट अप रूजी, जीतूंगी तो मैं जीतूंगी। एक्चुअली मेरी बात ये थी कि आप जीत सकते हैं, लेकिन सबसे पहले मैं ही नहीं नहीं नहीं, शट अप रूजी, शट अप, एक्चुअली मैं डोंट टॉक टू मी। इनके बोलने से तो ऐसा लगता है पीछे से। ओके डोंट टॉक टू मी रूजी, तुमने जरा भी लिहाज नहीं किया, मीडिया से, मीडिया पर बात चल रही थी, लाइव चल रहा था, आपको ऐसे मुझसे बात नहीं करनी चाहिए। जिनको काम करने का तरीका नहीं आता ना, वो ऐसे लड़ते झगड़ते, मेरे डिजाइन किए हुए कपड़े देख सकते हैं, मेरे कपड़ों में कोई कमी नहीं है और अपने देखो, मेरा इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं मुकाबला जीत सकते। देखो मैंने दुबई के इतने बड़े शो में आके देसी कपड़ों को ज्यादा प्रमोट किया, इंडियन पाकिस्तानियों को प्रमोट किया, और आप दोनों ने किसको प्रमोट किया, सिर्फ अंग्रेजों के कपड़े पहने। ऐसे लग रहे बदक, खुद को देगा जैसे काली भैंस हो। अपनी हार का सदमा बर्दाश्त कर पाओगी? मुझे ये बताओ, अगर ये हार का सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकती तो तुम यहाँ से जा सकती हो। आप दोनों हारू हो, हारू हारू, इंतजार कर रही हूँ, लेके जाऊंगी ये सोने की ड्रेस, मैं लेकर जाऊंगी ये सोने की ड्रेस, मेरी होगी। चलो वक्त ही बताएगा, वक्त बताएगा जब मैं ट्रॉफी अपने हाथ में लेकर जाऊंगी। ऐसा लग रहा है जैसे बच्चे पे वीडियो भी बनाते। $1 million इज माई चड्डी, चड्डी नो, नाम ही काफी है, लोग सिर्फ मुझे देखने के लिए आते हैं, मेरा नाम, मेरी ड्रेसिंग को नहीं देखते हैं, सिर्फ मुझे देखने आपके पैर को ही देखने आते हैं और कुछ।
मीडिया की, सर 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 प्लीज 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 जज सर आप हमें क्या बताएंगे कि आज कौन विनर होने वाला है? अभी हम लोग वोटिंग डिसाइड करेंगे, वोट काउंट करेंगे किस सबसे ज्यादा और फिर हम बताएंगे कौन। मेरे पास दो और भी जज बैठे हैं, इसमें एक हुमा खान हो गई और एक, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, बिगेस्ट शो हो रहा है दुबई में और यहाँ पर परफॉर्मेंस हो चुकी है, लास्ट परफॉर्मेंस रह चुकी है और हमारे यहाँ पर जजेस जो है ना अभी तक ये डिसाइड ही नहीं कर पा रहे कि कौन विनर होने वाला है। विनर कौन होने वाला है? तीन हमारे पास बिगेस्ट मॉडल हैं, हसीना मलिक, रोजी मैम और उनके साथ हैं सूफिया जो कि अभी नई आई हैं इस इंडस्ट्री में। देखते हैं कौन अपना जलवा यहाँ पर बिखेरेगी और कौन जीतेगी। आए जजेस से पूछते हैं। जजेस सर, मुदस्सिर सर, प्लीज प्लीज बता सकते हैं अभी तक आपने विनर डिसाइड किया या नहीं? नहीं, अभी हम वोटिंग करेंगे। हिना मैम प्लीज आप, लाइबा मैम आप प्लीज बता सकती हैं कि आपको किसकी मेहनत ज्यादा अच्छी लगी इसमें? अरे ये हमारे जज को क्या हो गया, जवाब देना। जजेस सर हैं वो सबके सब अभी डिसाइड कर रहे हैं, पता नहीं कि आज कौन विनर होने वाला है। पर देखिए जजेस का फैसला हमारे पास आ चुका है कि कौन होगा विनर यहाँ पर। तो बस अभी आप लास्ट परफॉर्मेंस देखना चाहते हैं? हो गई जल्दी से, बस हमारा लास्ट राउंड रहेगी, इसमें फाइनल हो जाएगा। आज लास्ट राउंड है, अभी फाइनल हो जाएगा कि ये ट्रॉफी लेने, ये ट्रॉफी लेने, ये ट्रॉफी लेके जाए बड़ी बात है। ये मैं ये जो डायमंड के हार पहने हुए ना, ऐसे नहीं पहने हुए। ये मैं, शट अप रोजी, ये मैं चले आपको बताने वाला हूँ कि पहले कुछ रूल हैं, रिजल्ट बताने पे किसी ने ज्यादा कुछ नहीं करना, कुछ एक्शन नहीं लेने, कुछ रोना शुरू नहीं करने देना, किसी को मारना नहीं एक दूसरे को, ठीक है? जजेस क्या आप रिजल्ट से एग्री करते हो जो मैं आपको दिखाए? हाँ, आप जी चले आप जज लेके आ रहे हैं फर्स्ट की ट्रॉफी और किसी की फिफ्थ की है। मुझे पूरा यकीन है अपने काम पे कि मैं आज जीत के जाऊंगी। चले वोटिंग सुन ले प्लीज, मैं ही जीतूंगी, कोई नहीं, खुद पर यकीन है मैं ही जीतूंगी। आप में से किसी एक के 56% वोटिंग आई है जो कि सबसे ज्यादा है। 56 आए हैं रोजी के। यकीन नहीं था कि मैं ऐसे कर पाऊंगी और वैसे भी मुझे शुक्र है कि मैं जीत गई हूँ इतनी बड़ी ट्रॉफी। ये मैं इस दुनिया की, नहीं मेरे ख्याल से कुछ गलती होगी, कुछ गलती होगी, नहीं नहीं हो सकती है, नहीं नहीं हो सकती है। आप प्लीज ये दोबारा से चेक करें प्लीज, पानी देना, इनमें से 53 जिसके आए हैं वो है सेकंड और अभी हम बताने जा रहे हैं सेकंड कौन है, और सेकंड है हसीना वाले। ट्रॉफी
हसीना मलिक क्या कह रही थी हसीना मलिक कोई बात नहीं दिल छोटा मत करो दिल मार दी तुमने ये लो ट्रॉफी तुम्हारी ये बाहर में मत बनाओ चलो और ये गोल्डन सूट जल्दी से उतार के बता दो कहीं खा ले जा गोल्डन मुंह में ना ले ले उठो हसीना मलिक दिल बड़ा करो उठ जाओ हसीना मलिक दिल बड़ा करो इस दफे तुम्हें हारना ही था बहुत बुढ़ी हो गई हो तुम हसीना मलिक तुम हार चुकी हो जब बुढ़े हो जाते हैं कोई बात नहीं कोई इतना बड़ा बात नहीं पटो ये हॉर्स कोई बात नहीं यही तुम्हें मिला तो है ना मिला तो है ना ट्रॉफी मिली तो है तुम ये तो देखो ना हरी तुरी तुम्हें पहले भी कहा था विनर इसका मतलब मैं होंगी रोजी देखा मैंने हरा ही दिया रोजी तुमने कहा नहीं रोजी अभी तो अनाउंसमेंट होगी कि कौन जीतेगा मैं ही जीतूंगी अब बताएंगे हम आपको फर्स्ट कौन आया है इस दुनिया के अब तक के सबसे बड़े मॉडलिंग शो और जो कि दुबई में हो रहा है उसका विनर कौन है मैं शेख मुदस्सिर सर आज उसको डिक्लेयर करने वाले हैं विनर तो जिसके 56 नंबर आए हैं वो है विनर और विनर है आप में से सोफिया ये ले दुनिया के सबसे बड़े कंपटीशन की चमचमाती हुई ट्रॉफी थैंक यू सो मच दुबई थैंक यू सो मच इंडिया थैंक यू सो मच पाकिस्तान जिसने मिलके मुझे लाखों दिलों ने मुझे जिताया थैंक यू सो मच आई लव यू आज पता नहीं कैसे जीत रही है तुम बहुत जाके रो यार मत रो और थैंक यू सो मच जज सर थैंक यू सो मच मैं बता नहीं सकती अपनी फीलिंग थैंक यू सो मच जजेस बिक गए हैं निकालो इनको शो से सिक्योरिटी में जजेस बिक चुके हैं बिकने चुके हैं तुम्हें बाथरूम में बम करना पड़ेगा आता आ रहा है इस बारी हमने सोचा कि अगर रोजी लास्ट आ जाती है तो उसके लिए हम ट्रॉफी बना ही देते हैं रोजी को खुश करने के लिए ये ले रोजी आपके 50 आए हैं थैंक सो मच फिर भी मुझे बहुत खुशी हुई है कि मुझे 50 तो मिले हैं ना ये तो इस काबिल भी बिल्कुल रोजी मैं बहुत खुश होगी तुम दूसरे नंबर पे आई हो और तीसरे मैं जो है उस डांस से शुक्र है जीत चुकी हूँ और शुक्रिया मैं जीत गई बाय बाय थैंक यू सोफिया मैम आपको कैसा फील हो रहा है अब मुझे बहुत ज्यादा प्राउड फील हो रहा है मैं बहुत खुश हूँ आज मेरी मम्मा की दुआएं हैं मेरे साथ जिन्होंने ये ट्रॉफी मुझे जिताई है और दुबई के इतने बड़े कंट्री में लाखों लोगों के बीच में मैंने अपना नाम बनाया और मैंने ये ट्रॉफी जीती है तो बहुत बहुत शुक्रिया दुबई इंडिया पाकिस्तान थैंक यू सो मच उसको छोड़ दो हसीना मलिक ऐसी शक्लें मुझे नहीं हरा सकती ये कुछ अब गड़बड़ है नहीं नहीं आप हार चुकी हो मैं कुछ हसीना मैम के लिए कहना चाहती हूँ हार के जीतने वाली को कहते हैं हसीना मलिक आप के हारने वाले जीत के हारने वाले को बोलते हैं हसीना मलिक जीत के हारने वाले को बोलते हैं हसीना मलिक मेरी पहली टिकट में पाकिस्तान जा रही हूँ थर्ड वाली को तो देखो उसके नखरे देखो हाँ तो क्या हो गया सावित्री मैं जीती गई हूँ ना देखा रोजी मैंने कहा था ना कि मैं जीतूंगी और मैं जीत गई रोजी ऑफ कोर्स तुमने बिल्कुल सही कहा था लेकिन हाँ मैंने भी जीता है ऐसी बात नहीं अक्सर रोजी मुझे तुम्हारे लिए बहुत खुशी है कि तुमने भी जीता है एक प्लास्टिक का घोड़ा जीता है इसने गोल्ड दिस इज गोल्ड रॉड दिस इज प्योर गोल्ड ट्रॉफी ये अभी वो खदान से निकाला है वो काला है धोया नहीं अभी ये आप उतार के मुझे दे क्योंकि ये विनर को मिलता है जल्दी निकालें ये तो मैंने अंडे बेचकर नहीं इतनी मेहनत करके यहाँ तक पहुँचा हूँ तो थैंक्स सो मच लेकिन आज मैं इस जगह पर पहुँचा हूँ थैंक्स बोलना चाहता हूँ पहुँची हूँ सॉरी आपने कोई चीट किया कि आप लड़के हैं आई नो मैं मुँह से निकल शट अप रोजी सच सच बता दो सॉरी लग तो रहा है कि तुम कोई लड़का हो और तुमने लड़की की एक्टिंग की है नहीं मैं ऐसी बात नहीं है
मैं तो बहुत खुश हूँ, मैं तो जा रही हूँ अपने घर पर। मैं भी जा रही हूँ। उतारो जल्दी से मेरा ये गोल्ड सूट। ये लो भिखारो, भिखारी लोगों। चलो निकालो ये मेरा। ये लो। तुम हार चुकी हो। पहली दफा जीते ये और नखरे। हसीना मलिक तुम्हें हार दिया 10 बार। जीती तो है ना सुनिया। फाइनली गोल्ड में जीत चुकी हूँ फाइनली। थैंक यू। पिक्चर ले ले मीडिया वाले। मीडिया वाला है। मीडिया आ गया। तस्वीरें खींचे। यस मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। यस यस थैंक यू सो मच मीडिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू।